नमस्ते, आप सभी को लेक्सक्रू की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी मेक इन इंडिया और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की पहल को बढ़ावा दिया और इसी की वजह से आज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की वाटर प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री की ये नंबर वन कंपनी बनने जा रही है। यहाँ पे एक मजदूर तन तोड़ मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक मैनेजर रोज अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखता है। यहाँ पे एक इंजीनियर रोज नया और अच्छा क्वालिटी और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करता है, पर आज मुझे लग रहा है कि इन लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी परचेस करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है या हमने उसका बिल लिया है या नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बिल की एक पर्ची कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे एक पंप के अंदर 70 से 80 कंपोनेंट्स लगते हैं, और अगर हमारी फैक्ट्री में जैसे कि 1500 वर्कर्स काम करते हैं, वैसे ही ये 70 to 80 कंपोनेंट्स सप्लायर के यहाँ पे मिलाकर कम से कम 50,000 से 70,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो जब आप किसी इम्पोर्टर से बिना बिल के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ना सिर्फ आप गवर्नमेंट की 28% टैक्स का नुकसान होने देते हैं, साथ ही साथ उस सच्चे इंडियन मैन्युफैक्चरर के एक पंप से जुड़े हुए 50,000 एम्प्लॉइज की जिंदगी, उनकी दो वक्त की रोटी और उनकी जॉब सिक्योरिटी को भी परेशान करते हैं। और इम्पोर्टर्स के साथ साथ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में भी आजकल टैक्स चोरी बहुत ही कॉमन होती जा रही है, जैसे कि बिना बिल के प्रोडक्ट्स बेचना, कम बिल की वैल्यू में प्रोडक्ट्स बेचना, बिल एक चीज का बना के दूसरा प्रोडक्ट बेचना, जैसे पंप के बिल में हेड बेचना, हेड के बिल में मेम्ब्रेन बेचना, मेम्ब्रेन के बिल में कुछ और बेचना, ये सब बहुत ही कॉमन हो चुका है। इस दिवाली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अंदर के राम को जगाएं। इंडियन इम्पोर्टर्स या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो कम बिल में या बिना बिल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनका बहिष्कार करें, ताकि ये वाटर प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री एक सुनहरी दिवाली मना सके। तो आइए लेक्सक्रू के साथ मिलकर मनाते हैं ये दिवाली फुल बिल वाली।